भाई से बता रहा हूँ सर, इतना खतरनाक मैम है ना, जब किसी की हिम्मत नहीं होता चुप भी कर देते, मुंह भी करेगा सर, इतना यार बेइज्जती सर कर देखो रही है मेरी। तो आदित्य को सर चलो इतना तेज झड़का दी थी। हाँ आदित्य को देखिए झड़का दी थी। ठीक है देखिए तो हम लोगों ने केपलर आपके पास ठीक है 3 लॉ होते केपलर्स के 3 लॉ होते थे या होते हैं ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है लॉ ऑफ एरिया या ऑफ लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट ठीक है, ये पहला लॉ होता है। सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा होता है लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। तो केपलर ने ये 3 लॉज दिए थे ठीक है। अब इसमें नंबर के हिसाब से कोई भी हो सकता है, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 पे ना जाके हम लोग, क्योंकि नंबरिंग इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। लॉ ऑफ ऑर्बिट का क्या मतलब होता है कि जो भी प्लैनेट्स है ना, जैसे मान लीजिए कि सपोज ये सन है और सन के अराउंड में, ये सन हम लोगों ने मान लिया, सन के अराउंड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो इनका ये प्रेजेक्ट्री है या जिस पाथ पे प्लैनेट चल रहे हैं है ना, ये पाथ सर्कुलर नहीं होता है, ये क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, ओवल सर्किल कह सकते हैं है ना, इलिप्टिकल। अब ये इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का मतलब जैसे हम लोग कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे कि इलिप्स क्या होता है ठीक है। दो हम लोग कहेंगे कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग इलिप्स ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई थ्रेड ले लीजिए है ना, कोई मान लीजिए आपने ये थ्रेड ले लिया, अब उस थ्रेड को दो यहाँ पे दो पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए है ना, दोनों एंड, और फिक्स करके यहाँ पे आप पेन या पेंसिल जो भी लेके थोड़ा टाइट करके ड्रॉ करेंगे इस तरह से है ना, इस तरह से, तो ये एक शेप बनेगा आपका है ना, तो और ये शेप क्या होगा, यही शेप कहा जाएगा इलिप्स। और ये जो दोनों फिक्स पॉइंट हैं इन्हें हम लोग फोकस कहेंगे, F1 और F2, दीज आर द टू फोकस, और अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें फोकस को और आगे एक्सटेंड करें ठीक है, तो ये हमारे कर्व को कहीं दो जगह पे कट करेंगे और इन पॉइंट्स को हम कहेंगे दीज आर द वर्टेक्स, ये क्या कहा जाएगा, वर्टेक्स कहा जाएगा। अब जो आपके पास PF1 और PF2 है ना, ये थ्रेड की लेंथ है, और थ्रेड तो आप बदल नहीं रहे हैं, इसका मतलब थ्रेड की लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। जब इसको ट्रेस करते 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 यहां पे ले आएंगे तो ये थ्रेड इस तरह से रिपीट कर जाएगा है ना, तो इसका मतलब जो ये लेंथ होगा PF1 प्लस PF2, ये लेंथ कांस्टेंट होता है, क्योंकि लेंथ आप क्या होता है, थ्रेड होता है, और इसे बाद में हम लोग देखेंगे, इसे टू वे कहते हैं है ना। खैर तो जानना हमें क्या है कि F1 F2 दो फोकस है ना, ये क्या हो गया, एक तरह से ओवल सर्किल, या यूं कह लें ये क्या हो गया, इलिप्स हो गया, और इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं, किसी एक फोकस पे सन की लोकेशन होती है ठीक है, और जो प्लेनेट है वो क्या करता है, इसी सर्कल पे रिवॉल्व करता है, जैसे अर्थ मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, तो अर्थ इसी प्लेनेट पे क्या कर रहा है, इसी पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो एरिया स्वेप कर रहा है किसी टाइम में है ना, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ एरिया। इसका मतलब कि जब यहां पे चलेगा, मान लीजिए कि आपने टाइम फिक्स कर दिया 10 घंटा, तो 10 घंटे में ये प्लेनेट कुछ एरिया स्वेप करेगा, तो उतने ही 10 घंटे में हमें यहां भी देखना पड़ेगा, इसका मतलब इधर कम चलेगा, ये बस समझ में है ना, इधर क्या होगा, कम चलेगा ठीक है, ये जो आर्क लेंथ इसकी है वो कम होनी पड़ेगी, क्योंकि तब ये एरिया जो होगा इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका लेंथ ज्यादा चलेगा है ना, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होती है, और अगर दूर देखें हम लोग तो स्पीड क्या होती है, कम होती है, लेकिन स्पीड ज्यादा कम होती है, लेकिन एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो एरियल वेलोसिटी यहां पे है, जिस रेट से एरिया यहां स्वेप कर रहा है उसी रेट से एरिया यहां स्वेप करेगा, तो ये लॉ ऑफ एरिया हो गया। तो लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब ने क्या बता दिया कि
कि जो ट्रेजेक्ट्री होता है प्लैनेट्स का अराउंड द सन वो हमेशा इलिप्टिकल होता है, दैट कैन बी प्रूव्ड, लेकिन ये अभी आपके लिए नहीं है ना। जब आप बीएससी में जाएंगे, मैकेनिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, तो वहां पे ये सब प्रूफ करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना। इसमें एक आध दो प्रूफ हम लोग देख लेंगे सिंपलेस्ट केस के लिए, ठीक है। ये दो प्रूफ पूछे जाते हैं जनरली, लेकिन ऊपर वाला जो प्रूफ है वो आप अभी नहीं करते हो, बीएससी में जाते हो तो कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है, फिर भी बीएससी में ही करते हैं हम लोग। देखो तो लॉ ऑफ एरिया क्या होता है कि अगर डीए एरिया स्वेप किया है डीटी टाइम में, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, और ये कॉन्स्टेंट होता है। तो ये प्रूफ पूछा जाता है, है ना। अच्छे टीचर जो है अपना ये प्रूफ पूछ सकते हैं और दे भी सकते हैं। लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है, कहते हैं कि जो प्लेनेट इस सन से जितना दूर होगा, है ना, जो प्लेनेट इससे जितना दूर होगा उसका टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर सन के अराउंड में लगाने का जो टाइम है वो उतना ज्यादा होगा। तो क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, ये बात समझ में। तो ये तीन लॉज केपलर ने दिए थे, जिसमें आपको सेकेंड और थर्ड का प्रूफ पूछा जा सकता है ना। अपने स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अच्छा स्कूल जो है, अच्छे टीचर जो है अपना कराते हैं, उन चीजों को पूछते भी हैं। बोर्ड तो यही है ना, स्कूल होम एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन लिखिए उसी के फॉर्म में करा दे। यूजिंग न्यूटन्स लॉ, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रूव केप्लर्स लॉ ऑफ, केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड, केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो हेडिंग डालिए लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। लिखिए द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, बस ये आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ पीरियड हो गया। अब इसका प्रूफ, लेकिन यूजिंग द न्यूटन्स लॉ सिंपलेस्ट केस हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऑर्बिट सर्कुलर मान के प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्किल भी क्या है, स्पेशल केस ऑफ इलिप्स होता है, इसमें जो दोनों फोकस है वो कंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है, ये सन है, और इसके अराउंड में कोई प्लेनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, इस सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस क्या है, आर है, और प्लेनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लेनेट हो गया मान लीजिए, ठीक है, किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, से जो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हमने मान लिया वी नॉट, ठीक। मास ऑफ सन, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, डेरिवेशन हमेशा डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश किया करिए ना,
क्योंकि लिखते लिखते ही आप अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे। कई बार क्या होता है कि टीचर सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता है ना, और वो फिर कमी होती है कि जब एग्जाम में आप लिखते हो तो वही आदत पड़ी रहती है मैथमेटिकल लिखने की, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश कर रही है। डिस्क्रिप्शन होता क्या है, जो आपने डायग्राम बनाया है उसको एलिबरेट कर देना है थोड़ा सा। तो लिखेंगे लेट लेट मास ऑफ सन एम कैपिटल एम एंड मास ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट इज स्मॉल एम। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स का जॉब कौन कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रिपिटल फोर्स का जॉब कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सन एंड, हाँ ये प्लेनेट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, मास किसा लेंगे प्लेनेट का, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर या वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, जी एम अपॉन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। अब टाइम पीरियड अगर निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ना, कितना डिस्टेंस चलेगा एक चक्कर में, 2πr सर्कमफेरेंस के इक्वल, है ना, और किस स्पीड तो कांस्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो इसी स्पीड से चलेगा, तो टाइम कैपिटल टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2πr अपॉन वी नॉट। ये बात समझ में आ गया, अब स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दे, है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से निकाल के पहले ही रख चुके हैं इक्वेशन वन में, आप प्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर अपॉन, अच्छा होगा 4πr स्क्वायर कितना हो जाएगा gm बाई r, तो जी एम अपॉन आर, अब ये आर पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4πr स्क्वायर आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा जी एम। अब ये देखिए ये ब्रैकेट कांस्टेंट है, फोर भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एम मास सन का कांस्टेंट है, तो मतलब यहां से क्या हो गया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट केप्लर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरिया होता है ना, केप्लर्स लॉ ब्रैकेट में लॉ ऑफ एरिया है ना, लॉ ऑफ एरिया, एरिया वेलोसिटी तो आएगा, लॉ ऑफ एरिया कहते हैं उसको, जो सेकेंड लॉ कहते हैं लॉ ऑफ एरिया।
स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखिए द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वेप्स आउट स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल. और करके लिखो. और दूसरा डेफिनेशन क्या देंगे, द एरिया वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट, द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज कॉन्स्टेंट, अराउंड द सन इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई प्लेनेट है जो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है सपोज, और इसके पास दो फोकस है और एक फोकस पे क्या है, सन है. तो यहां पे हम लोग मान लिया कि यहां पे सन है. अब जो प्लेनेट होगा वो रिवॉल्व कर रहा होगा यहां से सपोज यहां गया है ना, तो जो एरिया स्वेप किया वो किसी डीटी टाइम में, वो ये एरिया स्वेप किया. लेकिन जब यहां हुआ करता था प्लेनेट तो हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हाँ उसी उसी डीटी टाइम में है ना. ठीक है, तो ये एरिया स्वेप किया सेम टाइम में, तो हम कहेंगे कि जो एरियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. मतलब डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ एरिया कहता है. अब देखिए नाम मान लीजिए दे देते हैं कि ये पी से पी डैश गया किसी डी टी टाइम में. ठीक है, और ये जो रेडियल वेक्टर है ये आर है, और जाहिर सी बात है इतना एंगल इतना डिस्टेंस स्वेप किया है डेल्टा आर मान लेते हैं, है ना, डेल्टा आर मान लेते हैं. तो ये हो जाएगा r प्लस डेल्टा r, जो इसकी फाइनल लोकेशन हो गई वो क्या लिखेंगे, r प्लस डेल्टा r. ठीक, तो हम लोग बात लिखेंगे यहां पे एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी डी ए बाई क्या लिखेंगे, डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कितना एरिया चेंज हुई. उससे पहले हम लोग देखते हैं डेल्टा ए, एरिया कैसे लिखेंगे. अब इस ट्रायंगल की अगर एरिया लिखनी है तो क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, सपोज दो वेक्टर दिए गए हैं आपको, इसका वेक्टर ए पता है और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो दीज आर द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. तो अगर इसका एरिया आपको लिखना है, वेक्टर एरिया लिखना है, तो जो एरिया हो जाएगा वो हाफ ए क्रॉस B हो जाएगा. ठीक है, हाफ ए क्रॉस B. तो यहां पे आपके पास क्या है, R वेक्टर है और ये क्या है, डेल्टा R है, dr है. ठीक है, तो यहां पे एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप लिखोगे, अच्छा ये डेल्टा R को हम dr लिख दे रहे हैं ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज d by dt ऑफ एरिया को आप क्या लिख दोगे, R क्रॉस क्या हो जाएगा, ठीक है, dr, और 1/2 होगा, हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, या पहले एरिया ही लिख लेते हैं, पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, एरिया लिख लेते हैं. तो एरिया आपका ट्रायंगल का क्या हो गया, एरिया हो गया आपका 1/2 और आर क्रॉस क्या हो गया, डी आर हो गया, है ना. इसका मतलब दैट इज, अच्छा ये स्वेप्ड एरिया है, डी ए है, तो आप कहोगे डी ए इक्वल टू 1/2 और आर क्रॉस डी आर हो गया. और डेल्टा आर अगर ये किसी वी वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं,
वेयर जो dr है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी v इंटू क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, dt टाइम में आगे गया है ना, तो यहां रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, इट बिकम 1/2 r क्रॉस v इंटू क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, दैट इज da। अब dt से आप इधर डिवाइड कर दीजिए, तो dt से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा dA अपॉन dt आ जाएगा, दैट इज द एरियल वेलोसिटी, और 1/2, अब देखिए r क्रॉस ये क्या हो गया v हो गया। एक काम और करते हैं, हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, तो हमने क्या कर लिया कि मास से मल्टीप्लाई कर लिया और m से क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, m इंटू v क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, है ना, p कहते हैं, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए 1/2 r क्रॉस क्या हो जाएगा p अपॉन m। ये बात समझ आ गया, और r क्रॉस p ठीक है ये एंगुलर मोमेंटम होता है, p क्या है आपका लीनियर मोमेंटम है, p लीनियर मोमेंटम है और r क्रॉस p क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, तो आप यहां पे लिख दोगे, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दैट बिकम जो dA by dt हो जाएगा, दैट मीन्स एरियल वेलोसिटी इट कुड बी रिटेन एज ए 1/2 r क्रॉस p को हमने क्या कहा l वेक्टर लिख देंगे अपॉन क्या हो गया m। तो कई बार ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना होता है अच्छे क्वेश्चन जब बनाते हैं। अब देखिए l हो गया एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या है r क्रॉस p है, है ना, और अगर एंगुलर मोमेंटम l कांस्टेंट होता है, अगर कोई भी फोर्स सेंट्रल हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सेंट्रल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंट्रल फोर्स है तो वो किस पॉइंट से होके जाएगा इस सन के, सन से होके जाएगा, चाहे अगर यहां पे ये प्लेनेट अगर यहां पे है तो फोर्स कहां लगेगा सन और प्लेनेट के बीच में, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास करेगा इस सन से पास करेगा, प्लेनेट अगर यहां होता तब भी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का कहां से पास करता सन से पास करता, इसका मतलब कि अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें टॉर्क मोमेंट है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन उसी फोर्स से जा रहा है, इसका मतलब टॉर्क जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया ना, जैसे देखिए दरवाजे में जो हैंडल लगाया जाता है, जैसे ये दरवाजा है मान लीजिए ठीक है, और यहां से हिंज है तो हैंडल किनारे लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं ना, यहां पे आप हैंडल लगाते हो ठीक है, यहां पे हम इस तरह से हैंडल लगाते हैं, तो ये क्या है ये रोटेशनल एक्सिस है जिसके अबाउट दरवाजा क्या करता है घूमता है, तो ये डिस्टेंस आप जो फोर्स लगाते हो वो फोर्स यहां से आर डिस्टेंस पे है, ये बात समझ में आया ना, तो जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है घूमने के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है दरवाजे से दूर रखते हैं, अगर ये हैंडल क्या लगा दे अंदर की तरफ लगा दे तो दरवाजा खोलना क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बात समझ में आया ना। इमेजिन करिए कि अगर आप फोर्स ऐसे लगा दो ऐसे, क्या दरवाजा खुलेगा नहीं, वो तो दबेगा ना, खुलेगा नहीं, इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो ये फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन रोटेशन एक्सिस से पास कर रही है, जहां से रोटेट कर रहा है उस रोटेशन एक्सिस से पास कर रही है, इसलिए ये कोई भी मोमेंट ये जो फोर्स है ये कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, यही वजह यहां पे भी है, जो ये फोर्स लग रहा है सेंट्रल फोर्स है तो ये कोई भी मोमेंट क्या करेगा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और अगर क्योंकि इसका ये फोर्स एक सिंगल पॉइंट से होके जा रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट जब हम टॉर्क देखेंगे तो वो टॉर्क क्या होगा जीरो होगा, कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बढ़ने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि एल कॉन्स्टेंट रहेगा अगर टॉर्क जीरो है, ये बात समझ में आया ना, जैसे आप कहते हो जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है dp अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन टॉर्क जो होता है जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है टॉर्क वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है,
ये बात समझ आया ना। और हमने कहा कि टॉर्क जीरो है क्योंकि फोर्स सेंट्रल है ना, सारा फोर्स सन से जा रहा है, इसका मतलब टॉर्क जीरो होने का मतलब कि एल क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट का ही निकालेंगे तो जीरो आ रहा होगा, तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे हम जस्टिफिकेशन देंगे, है ना, टॉर्क क्या रिलेशन है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स therefore torque about sun is zero। इसका मतलब क्या हुआ कि जो dl by dt होगा, dl upon rate of change of angular momentum, वो क्या हो जाएगा, zero। इसका मतलब l क्या हो गया, constant हो गया। और l constant होने का मतलब कि जो प्लेनेट घूम रहा है उसका मास भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो पूरी पूरी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से लिखेंगे दैट इंप्लाई कि डीए बाई डी टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यही प्रूफ करना था, नोट कर। तो लिखिए स्टेट द केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लिखिए Each planet revolves around the sun in an elliptical orbit. With the sun situated at one of the foci, FOCI। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग क्या करें, ये मान लीजिए सन है, तो जितने प्लैनेट्स हैं, अब प्लैनेट का बताओ ट्रेंड क्या है, याद है सबसे पहला प्लैनेट कौन होगा, मरकरी, उसके बाद वीनस, हाँ याद है तुमको, कैसे याद है जी। हाँ देखो, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई है ना, देखो इधर, वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नाइन प्लैनेट। प्लूटो तो ठीक है, अरे ठीक है। देखो तो माई वेरी एम क्या हो गया, मरकरी हो गया, और वी फॉर वीनस हो गया, ई फॉर अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, और ये हटा दिया गया है ना, प्लूटो हुआ करता था, बच्चों को याद करवाते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये जस्ट वॉस नाइन प्लेनेट है ये, है ना। तो इसमें देखो सन से सबसे दूर कौन है, प्लूटो है ना। इसका मतलब कि उसका जो टाइम पीरियड होगा,
वो सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा? मरकरी का। ये बात समझ में आया ना? फिर वीनस का, है ना। तो कई बार ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन। क्वालिटेटिव का मतलब कि बताइए टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, मार्स का ज्यादा है कि अर्थ का ज्यादा है अराउंड द सन, है ना। तब तो तुमको सोचना पड़ेगा, ये ट्रेंड अगर याद रहेगा तभी जवाब दे पाओगे, और लॉ ऑफ पीरियड याद होना चाहिए ना, कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो दो ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला है ना टाइम टेके नहीं, हाँ टाइम तो निकाल लेंगे, ठीक, कंपेयर करने के लिए आ सकता है, है ना। रेडियस दे देंगे दोनों का, एक का अर्थ का टाइम पीरियड पता ही होता है कितना होता है, 365 दिन, यानी 24 घंटा रख दे अपने, ठीक है, एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि अराउंड द सन वाला रखना है, जितने दिन में एक साल कंप्लीट हो जाता है ना, पता चला कि एक क्रिसमस से फिर दूसरे क्रिसमस की बात होगी, है ना, ठीक, रोक देना।